हाय, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सभी के लिए बाज़ार में ठेले पे मिलने वाली छोले चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने काबली चना ले लिया है, जिसे रात भर मैंने फूलने रख दिया था, और ये मेरा 250 ग्राम था। और अब मैं ले ले रही हूँ 4 आलू, और इसमें डाल देंगे पानी उतना जितना कि हमारा चना जो है वो डूब जाए। और अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ी सी नमक। अब मैं ले ले रही हूँ एक टमाटर, उसे मैंने रफली चॉप कर दिया है और इसके अंदर डाल दूंगी। और अब ले लूँगी एक प्याज, इसे भी मैंने रफली चॉप कर कर डाल दिया है। और अब इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी तेल, 1 चम्मच के लगभग तेल मैंने डाला है। तेल से क्या होगा ना कि ये फेंकेगा नहीं, जो आपका ऊपर उबल कर आ जाता है ना पानी, वो नहीं आएगा। और ये देखिए, हमने इसे अच्छे से गला लेना है। तो यहाँ हमारा सीटी लग गया था, और देखिए हमारा ढक्कन कितना क्लीन है, वरना ये पूरे ढक्कन पे लग जाता, इसलिए मैंने इसमें तेल ऐड किया था। तो अब देखिए हमारा आलू और चना जो है, छोला जो है, वो अच्छे से गल चुका है, पूरा मैशी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो आलू है बड़े बड़े पीसेस में, उसे हम कट कर लेंगे या फिर इसी तरह चम्मच से तोड़ लेंगे, रफली तोड़ेंगे ताकि ये अच्छा सा उसमें टेस्ट आए आलू का। तो अब देखिए एक कढ़ाई रखा है मैंने, इसमें मैं 2 टेबल स्पून के लगभग तेल डाल दे रही हूँ, और इसमें 1 चम्मच मैंने डाला है ज़ीरा। ज़ीरा मैं ज़्यादा डालती हूँ, उसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। थोड़ी सी ज़ीरा जो है वो तड़क जाए, तब इसके अंदर 2 लाल मिर्च डालेंगे, तोड़कर मैंने डाला है। और अब इसके अंदर हमारा छोला जो बन चुका था, उसे मैं ऐड कर दूंगी। पानी के साथ मैंने ऐड कर दिया है, अब इसमें पानी जो है वो थोड़ा सा सूखेगा। इसके पानी को हमने अच्छे से सुखा लेना है। तो ये देखिए, जब इतना पानी सूख जाए तब मैं इसके अंदर थोड़ी सी मसाला ऐड करूंगी। तो इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा और धनिया और लाल मिर्च का पाउडर मैंने बना कर रखा है, उसे मैं डाल दे रही हूँ। आप इसे बनाकर स्टोर कीजिए और इसे महीनों तक आप आराम से इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें अच्छे से मैंने मिला लिया है। नमक थोड़ा मेरा कम लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने काला नमक ऐड किया है। काला नमक से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। इस स्टेज पे आप इसे ठंडा करके और डब्बे में भरकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि आप इसे बाद में भी यूज़ कर सकें। रमज़ान में हमें टाइम नहीं मिलता है ना फ्रेंड्स, तो आप इस टाइप से इसे फ्रीज करके रख लीजिएगा, तो आपका 3 से 4 दिन ये आराम से चल जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से जब ये गाढ़ा हो चुका है, तो अब मैं इसे असेंबल करने वाली हूँ। असेंबल करने के लिए मैंने हरी चटनी, आलू भुजिया, प्याज, दही और मीठी चटनी, और जो हमने मसाला तैयार किया था ना, वो ले लिया है। तो अब देखिए, मैंने छोला रखा है अपने प्लेट में, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हरी चटनी, और ये है मीठी चटनी, इसे भी मैंने घर में बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये इमली और गुड़ की चटनी है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही, जो कि चाट की जान है। मैंने अच्छे से दही डाल दिया है। फिर इसके ऊपर डालेंगे प्याज, यहाँ पे आप और भी कुछ डालना चाहते हो जैसे कि गाजर तो आप डाल सकते हैं। हरी मिर्च मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चों को खाना था। और अब इसके अंदर मैंने आलू भुजिया लिया है, वो डाल दूंगी। सिंपल सेव भी आप डाल सकते हैं। और अब इसके ऊपर जाएगा वो भुना कुटा ज़ीरा और धनिया का पाउडर, और फिर मैं डाल दूंगी 2-3 बूंद नींबू। इससे बहुत ही टेस्टी सा हमारा चाट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल ठेले वाले के जैसा। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।